बोलो रुद्रा, हर हर महादेव बोलो कैमरे में। तो फिलहाल यहाँ पे कैमरे में और पीछे नैतिक देख, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सकते हैं नहा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी ब्लॉक में नए वीडियो में बहुत ही बहुत आपका स्वागत है। और देख सकते हैं शुक्ला जी अभी तक नहाए नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? ना तो अभी तक कुछ ना कुछ अपना मैं अपना मेकअप किया हूँ। तो देख सकते हैं गाइस 11:30 बज चुका है, अभी मेरा आँख खुला है क्योंकि रात को मुझे शॉर्ट्स रील मेरा जो कि आज मेरा 9000 सब्सक्राइब पूरा होने वाला है शॉर्ट्स 598, आप जाके वहाँ पे विजिट करें उस चैनल पे। और आप भी रील देखे, अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब आप भी कर देना और घंटी को तो जरूर बजा देना दोस्तों। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा। और इस ब्लॉग के जरिए मैं उस चीज को मैं आप लोगों के उसके बारे में भी बताऊंगा और कुछ मैं बहुत तेज हो रहा है। मैं ब्लॉगिंग करने जब बाहर जाता हूँ तो मेरे दोस्त लोग मिलते हैं, बताते हैं कि सोनू मेरा वीडियो डालता हूँ तो व्यू नहीं आता है, तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। आज इस वीडियो में बहुत चीजें आप लोगों को मालूम होएगा, मैं एक ऐसा स्टोरी बताने वाला हूँ जिससे आप लोग स्टोरी सुन के आप लोग को खुद मालूम पड़ जाएगा कि वीडियो में यूट्यूब पे कैसा वीडियो को ग्रो किया जाता है। तो फाइनली गाइस अभी देख सकते हैं मैं घर पे हूँ, 11:30 बज चुका है, 12:15 पे मैं जाने वाला हूँ ऑफिस। ऑफिस आप लोग को मालूम है ऑफिस मेरा पहला टारगेट है, क्योंकि ऑफिस जॉब नहीं करूँगा तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा और पैसा नहीं आएगा तो मैं मोबाइल में रिचार्ज नहीं कर पाऊँगा, वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, आप लोग को दिखा नहीं सकता हूँ। तो मेरा पहला फोकस जो है जॉब। तो मैं अभी फिलहाल अभी तैयारी जा रहा हूँ नहाने के लिए, अभी देख सकते हैं कपड़ा कल का ही पहना हूँ और अभी फिलहाल एक कपड़ा चेंज करूँगा, नहाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, माता रानी को पूजा करूँगा और फिर उसके बाद आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी चीज़ें विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। और आज इस वीडियो के अंदर अगर आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करेंगे, अगर आप लोग खुद एक चैनल आप लोग का है यूट्यूब पे और ग्रो नहीं हो रहा है तो सभी चीज़ें जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है 2-3 साल से काम कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने वीडियो के जरिए और आप लोग देखना। तो प्लीज चलता हूँ, पहले नहा लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद वीडियो में आपको सभी चीजें बातें बताता हूँ। गाइस देख सकते हैं अभी फाइनली मैं नहा चुका हूँ, एकदम फ्रेश हो चुका हूँ देख सकते हैं और पैंट भी पहन चुका हूँ, मैंने पैंट चेंज किया, कल ब्लैक डाला था आज व्हाइट डाला हूँ और व्हाइट डाला हूँ पैंट और नहा भी लिया हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ, चलते हैं फटाफट। करता है तू चीटिंग 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 करता है तू। पहला कपड़ा पहन लेते हैं, पहनने के बाद सभी चीजें हैं। अभी मैं नहा के बाहर आ चुका हूँ और देख सकते हैं अभी ये शर्ट पहना हूँ, कैसा लग रहा है? ये शर्ट अच्छा दिख रहा है गाइस, शर्ट अच्छे है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करना। अभी ये शर्ट आज मैं पहना हूँ जो कि 2 साल हो चुका है ये शर्ट को और अभी फिलहाल मैं आज इसको पहन रहा हूँ और फिलहाल मैं डेली मैं एक सेट चेंज करता हूँ और आज फाइनली ये सेट पहना हूँ और चलते हैं अभी माता जी का पूजा कर लेंगे। और माता जी का पूजा करने के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं वो स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि सभी जितने भी यूट्यूबर लोग हैं जो कि ब्लॉगिंग करते हैं चाहे जो भी कैटेगरी हो उसका भविष्य काफी इसमें चेंजेस हो देख सकते हैं गाइस। फाइनली मैं अभी चाय ले लिया हूँ और आज जो ब्लॉग है स्टोरी बताने वाला था फाइनली, और देख सकते हैं नीचे रुद्रा और मम्मी उनको हर हर महादेव बोल रही है और रुद्रा देख रहे हो यहाँ पे कैमरे के सामने जस्ट देख रहे हैं रुद्रा, हम मम्मी हर हर महादेव बोलेंगे और रुद्रा भी हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलो रुद्रा, हर हर महादेव बोलो कैमरे में। तो फिलहाल यहाँ पे कैमरे में और पीछे नैतिक देख सकते हैं नहा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी रुद्रा को हर हर महादेव बोल रहे हैं, फिलहाल अभी कैमरे को देख कुछ बोल नहीं रहे, नहीं तो 3-4 बार मैंने उनका टून खुद सुना हो, मैं ना अभी जब जस्ट अभी मैं फ्रेश हो रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए, हर हर महादेव बोला एक बार बोल दो, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव बोल बाबा। देख सकते हैं मम्मी बोल रही है लेकिन अभी कुछ बोलने का कुछ नहीं चल रहा है क्योंकि मेरा जो फ्लैश लाइट है उस फ्लैश लाइट को देख रहा है रुद्रा। और फिलहाल मैं यहाँ पे देख सकते हैं माता जी का भी पूजा भी कर रहे हैं, मेरा चाय है, चाय पी के जस्ट अभी मैं आप लोगों को स्टोरी बता देता हूँ।
कि देखो भाई सिर्फ पहली बात तो मैं ये बात बताने वाला हूँ कि देखो सबसे पहली बात तो क्या है, अगर YouTube पे आपको ग्रो करना है, जितने भी मेरे ऑडियंस लोग सुन रहे हैं, अगर उनका आप लोग का भी YouTube चैनल खोले हो और उस पर ग्रो वीडियो डाल रहे हो पर व्यू नहीं आ रहा है, मेरे काफी दोस्त लोग बाहर मिलते हैं और बोलते हैं यार सुनो मैं वीडियो बनाता हूँ पर मेरा व्यू नहीं आता है, तो देख सकते हैं मैं फैमिली के सामने ब्लॉग बना रहा हूँ, क्या मुझे शर्म है? नहीं शर्म है, क्यों? मुझे आगे, मुझे मालूम है इसके फील्ड में मुझे आगे काम करना है, ये मेरा जुनून है, मेरा वीडियो बनाना मकसद है, तो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि गाइस आप लोगों को एक ऐसा ऐसा कहानी आज स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि देख सकते हैं, अगर मुझे शर्म रहता तो मैं फैमिली के सामने ब्लॉग बना सकता था, तो देख सकते हैं वहाँ पे रुद्रा भी बहुत काफी अच्छे तरीके से देख रहे हैं और मम्मी यहाँ पे बैठी है और मम्मी बार बार हर हर महादेव बोल रहे हैं, रुद्रा देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मेरे कैमरे को देख रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी देख रहे हैं इस ब्लॉग के जरिए, मैं देख सकते हैं मैं फैमिली को भी दिखा रहा हूँ इस जरिए, क्योंकि गाइस मैं फैमिली ब्लॉग भी बनाता हूँ, बाहर का भी चीजें बताता हूँ, मोटिवेशनल भी आप लोगों को करता हूँ। तो गाइस सभी लोगों को आज विस्तार से मेरे बात को सुने, जितने भी मेरे ऑडियंस है, देखो एक किसान रहता है, बहुत गरीब किसान रहता है, वह किसान क्या करता है, उसको पानी के तलाश में वह कुल्हाड़ी लेके रोज डेली हर जगह 5 फीट एक गड्ढा खोदता है, एक जगह खड्डा खोदता है उसे पानी प्राप्त नहीं होता है, फिर दूसरे जगह खड्डा खोदता है, जाके दूसरे एरिया में खड्डा खोदना चालू करता है 5 फीट, वहां पे भी उसको पानी नहीं मिल पाता है, तो वो तीसरे जगह जाता है, तीसरे जगह भी खोदता है 5 फीट, तो भी खड्डे में उसको पानी नहीं मिल पाता उस गरीब इंसान को। काफी ऐसा मशक्कत करने के बाद एक गरीब बुढ़ा जो कि उसका उम्र काफी उम्र हुआ रहता है, जो वह देखते रहता है, तो वह एक दिन आता है उस गरीब जो कुएं के पानी का तलाश में रहता है उसके पास आता है और उसको बोलता है कि देखो तुम 5 जगह खड्डा खोदे तो कितना हो गया 25, 5 × 5 करो तो कितना होता है 25, 25 फुट उसने खड्डा खोद दिया पर भी आज उसको पानी नहीं मिला। उसने बुड्ढे ने क्या बोला, अब देखो यही जरिया है आप लोगों को YouTube पे किस तरह आप लोगों को काम करना है, तो उसने 5 जगह जाके वहाँ खड्डा खोदा तो भी उसको कामयाबी नहीं मिला। इसी तरीके से आप लोग भी YouTube के अंदर कई तरीके के वीडियो अपलोड करते हो, चाहे कॉमेडी हो चाहे कोई भी हो, ऐसा हर तरीके का अपने चैनल पे वीडियो ना अपलोड करे, एक ही कंटेंट रखे, एक ही वीडियो बनाए, ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉगिंग वीडियो शूट करो जैसा मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, कभी मैं बाहर का ब्लॉग दिखाता हूँ, कभी फैमिली ब्लॉग दिखाता हूँ, मेरी मम्मी बैठी रुद्रा तो ऐसा देख रहा है जैसा कि एकदम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू मीटिंग ले रहा हूँ मैं, और देख सकते हैं गाइस मैं रुद्रा के साथ साथ रुद्रा को और मम्मी को भी मैंने दिखा दिया कहानी का जो स्टोरी है, वह 5 फुट गड्ढा 5 जगह वह गरीब इंसान ने खोदा और जो 80 साल का जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने जो बात बताया कि आप जो 5 जगह ट्राई किए वही एक ही जगह तुम खड्डा खोदो आपको पानी नहीं मिला तो जो बोलो मैं हारता हूँ, आप 25 फुट खड्डा खोद चुके 5 जगह पे, आप एक ही जगह दिमाग लगाओ, एक ही जगह 25 फुट खड्डा खोदो नहीं पानी निकला तो बोलना 25 या 30 या 45 तक आप जाते जाते आपको धरती से पानी प्राप्त हो जाएगा। तब वो दूसरे दिन वह जाता है जो गरीब व्यक्ति रहता है जो पानी के खोज में रहता है, वह जाता है एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन तक मेहनत करता है और एक ही जगह मेहनत करता है, वह 40 फुट तक गड्ढा खोदता है और उसको तीसरे दिन कामयाबी मिल जाता है और उसको पानी मिल जाता है। तो यही दोस्तों यही मेरी स्टोरी था जो आप लोगों को इस ब्लॉग में चाहे कोई भी कैटेगरी हो आपको कामयाबी दिला सकता है, बस आप लोग को धैर्य रखना है अपने ऊपर, धैर्य रख के अपने फैमिली, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपको ही वीडियो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ही वीडियो बनाना है, किस तरह बनाना है वो आपको आपको अपने दिमाग से आपको सजेशन लेना पड़ेगा। और फाइनली देख सकते हैं मुझे कोई शर्म नहीं क्योंकि मेरी फैमिली सब मुझे सपोर्ट करती है, मेरे को खुद मेरे को सपोर्ट करती है, पैसा आए या ना आए मेरा मकसद है वीडियो बनाना और मैं वीडियो देख सकते हैं फैमिली के अंदर बना रहा हूँ, मेरी मम्मी है पीछे सामने देख सकते हैं, रुद्रा भी है जो कि रुद्रा यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसा कि यहाँ पे मैं मीटिंग ले रहा हूँ रुद्रा का, और रुद्रा भी यहाँ पे मैं ब्लॉग के जरिए दिखा रहा हूँ। तो गाइस फाइनली 12:15 हो चुका है, अभी मुझे जाना है ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है, तो मैं बाहर का मैं सीन बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ फाइनली ऑफिस, ऑफिस के बाद मैं जब छूटता हूँ जब मुझे समय मिलता है तो मैं बाहर का ब्लॉग दिखाता हूँ। तो चलते हैं फिर नए ब्लॉग में मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नमस्कार जय हिंद बाय बाय। रुद्रा बाय बाय करना चाहते हो? हाँ हाँ बोल रहे हैं रुद्रा, हाय बाय कर दो, बाय 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 कर दो।
वीडियो को कर रहे हैं ब्लॉग, एंड कर रहे हैं, बाय बाय टाटा। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं मम्मी और रुद्रा वहाँ पीछे बैठे हैं और मैं अभी फाइनली चाय भी नहीं पिया, स्टोरी बताते बताते मेरा चाय भी ठंडा हो चुका है। चलते गाइस ब्लॉग को करते हो एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।